चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ मैथ्स की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास में एक ट्रायंगल है, यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल गिवन है PQR, ठीक है, और इसके भीतर एक पॉइंट है O, ठीक है ना। अब हमने ये बताना है कि क्या OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम भी यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो ये बना दिया हमने ट्रायंगल PQ एंड R, और बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया O, करेक्ट। अब हमने दिखाना है कि क्या OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको इसके साथ मिला लेते हैं, इसको इसके साथ मिला लेते हैं, इसको इसके साथ मिला लेते हैं, मिला लिया। अब हमने ढूंढना है कि OP एंड OQ कहाँ पर है। तो हमने देखा कि OP यहाँ पर है, OQ यहाँ पर है ना। ये हमारा OP है, ये हमारा OQ है, और ये हमारा PQ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं इस वाले ट्राइंगल पर। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल POQ, इस ट्राइंगल पर चलते हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल POQ, है ना, हम ट्राइंगल POQ पर चलते हैं। और इसमें हमें पता ही है कि इन दो साइडों का अगर हम सम करेंगे, इन दो साइडों का, इस वाले साइड का और इस वाले साइड का सम करेंगे, तो इससे तो बड़ा हो गई होगा ना। तो हमारा OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ तो हो गई होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है सम ऑफ एनी टू साइड्स, हम कोई भी दो साइड्स लेते हैं ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का, है ना, कोई भी दो साइड्स लेते हैं इज ग्रेटर देन, वो बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड, है ना, वो तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो इस कारण से हमारा OP प्लस OQ जो है वो PQ से बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे यस OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ, करेक्ट। तो अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमने दिखाना है कि क्या OQ OR QR से बड़ा होगा। तो हमने दिखाना है यहाँ पर कि हमारा जो OQ, देखो यहाँ पर OQ है ना, OQ है, तो हमने यहाँ पर OQ पर निशान लगा लिया। OQ OR क्या QR से बड़ा होगा? हाँ, हो गई होगा। देखो दो साइडों का सम तीसरे साइड से तो बड़ा होता ही है ना, तो अगर हम इन दो साइड्स का सम करते हैं तो वो इस साइड से तो बड़ा हो गई होगा। तो हम लिखेंगे यस OQ प्लस OR, है ना। देखिए OQ ये है, OR ये है, तो इन दोनों साइडों का सम QR से तो बड़ा हो गई होगा ना, तो ये हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो OQ प्लस OR जो होगा वो QR से बड़ा होगा। ये भी यस है, ये भी यस है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला, ये भी यस है। अब हमने देखना है कि क्या OR प्लस OP RP से बड़ा है। तो हमने देखना है कि हमारा जो ये जो OR है ना, ये जो OR है और जो ये OP है, और जो ये OP है, क्या वो उनका सम RP से बड़ा है? क्या उनका सम RP से बड़ा है? वो तो हो गई होगा, इन दो साइडों का सम इससे तो बड़ा हो गई होगा ना। तो हम लिखेंगे यस हमारा OR प्लस OP, हमारा जो OR प्लस OP होगा वो किससे बड़ा होगा? वो RP से बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे यस OR प्लस OP इज ग्रेटर देन RP। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो देखिए हमने क्या दिखाया यहाँ पर, हमने ये दिखाया है कि इन दो साइडों का सम, ये जो दो साइड्स हैं हमारे पास में, ये जो दो साइड्स हैं इनका सम इससे बड़ा है, ये जो दो साइड्स हैं इनका सम इससे बड़ा है, ये दो साइड्स हैं इनका सम इससे बड़ा है। हमें वैसे ही पता है कि ट्राइंगल के दो साइडों का सम तीसरे साइड से तो बड़ा होता है, ये तीनों ही यहाँ पर यस आएंगे इसलिए। हाँ, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।